आप ही सोचिए कि आपके ऑफिस में मान लिया कि किसी किसी भी कर्मी की जगह खाली हो तो आप किसको पसंद करेंगे, जिसको कंप्यूटर आता है चलाना आता है या जिसको कंप्यूटर नहीं चलाना आता सिर्फ टाइपिंग आता है या नॉर्मल टाइपिंग आता है। आप जरूर चाहेंगे कि व्यक्ति जो है कंप्यूटर चलाना जानता हो। यदि वैसा व्यक्ति आपके सामने आएगा तो उसको फट से आप रखेंगे ऑफिस में। या कहीं भी मोबाइल बढ़िया से चला लेता है, विभिन्न प्रकार का एप्लीकेशन जानता है तो उसको रखने की टेंडेंसी बढ़ती है। लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के लोग रखे जाए। तब इस प्रकार का स्किल जिसके पास है उसकी आवश्यकता मार्केट में बराबर पड़ रही है। तो हमारे बच्चे जो निकल के आ रहे हैं वो पूरा का पूरा वातावरण चेंज कर रहा है। गांव में जो बच्चा जो कंप्यूटर सीख लिया है, एक्सेल सीख लिया है, आपका एमएस वर्ड पे काम कर पा रहा है, वहां पर किसी भी गांव में व्यक्ति को यदि फॉर्म भरने में दिक्कत है, किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी में फॉर्म भरने में दिक्कत है, वो बच्चा सामने आकर के लोगों की मदद कर रहा है। वहां पर उन्होंने अपना एक छोटा सा सेंटर खोल रखा है जिसमें कई लोगों की मदद कर रहा है। तो इस तरह से गांव में भी एक अलग तरह की क्रांति आ रही है कि लोग अवेयर हो रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में और उसका लाभ उठा रहे हैं। गांव गांव के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में की सफलता में भी इसका योगदान है। आप सोचिए, पहले आदमी हाथ से लिख करके देता था, लेकिन अब अधिकांश कार्यक्रम में आपको कंप्यूटर में फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और जब तक वहां के लाभार्थी